आईपीएल 2020 के मिडिल सीजन विंडो खुल चुकी है और गाइस यहाँ पे अब सभी टीम जो कि एक दूसरे के साथ अभी कांटेक्ट में लग चुकी है और गाइस वो कांटेक्ट कर रहे एक दूसरे प्लेयर्स के साथ और उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे प्लेयर्स राजी हो जाएंगे उसके बाद गाइस यहाँ पे टीम अपने टीम में इंक्लूड कर लेगी उस खिलाड़ी को। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दो खिलाड़ियों के पास गाइस दूसरे टीम की तरफ से इन्विटेशन आया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन दो खिलाड़ियों के बारे में एंड क्या ये दो खिलाड़ी दूसरे टीम में ट्रांसफर होंगे या नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और बीसीसीआई ने क्या रूल बनाया है मिडिल सीजन ट्रांसफर को लेकर। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 80% लोग होते जो कि चैनल को बिना सब्सक्राइब किए चले जाते। तो अगर आप लोग उनमें से एक हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में। तो गाइस बीसीसीआई ने जो रूल बनाया वहां पे गाइस बीसीसीआई ने ये बोला है कि मिडिल सीजन जो ट्रांसफर होने वाली है उसमें एक रूल रहेगा कि जिस खिलाड़ी के साथ आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहे हो वहाँ पे टीम के कोई भी यहाँ पे जो कि वो लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर खिलाड़ी चाहे कि मैं इस टीम में मुझे मौका नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी टीम में जाना चाहता हूँ, शायद वहाँ पे मुझे मौका मिलेगा एंड वहाँ से शायद मैं अच्छा नाम कमा पाऊँ और अगर नेक्स्ट सीजन में यहाँ पे और ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ, क्योंकि गाइस आईपीएल मेन है पैसे के लिए। और यहाँ पे इस बीसीसीआई ने सबसे पहले रूल यहाँ बनाया कि कोई भी टीम यहाँ पे किसी भी खिलाड़ी को गाइस रोक नहीं सकती दूसरे टीम में जाने से। अगर वो खिलाड़ी बोलती है कि मैं यहाँ पे दूसरी टीम में जाना चाहता हूँ तो वो अपनी मर्जी से जा सकता है एंड टीम उनको बिल्कुल भी रोकेगी नहीं। तो गाइस इस सबसे पहला रूल यहाँ पे बीसीसीआई ने बनाया है एंड दूसरा जो रूल बनाया है वो गाइस ये बनाया है कि एक खिलाड़ी गाइस यहाँ पे दो मैच कम से कम उनको खेले होने चाहिए। अगर एक दो मैच खेलते तभी वो दूसरे टीम में जा सकते। अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे जो कि कोई भी मैच यहाँ पे नहीं खेलता आईपीएल 2020 में तो वो खिलाड़ी मिडिल सीजन ट्रांसफर में नहीं जा सकता दूसरे टीम में। उस खिलाड़ी को कम से कम एक से दो मैच यहाँ पे खेलना पड़ेगा तभी गाइस वो यहाँ पे दूसरे टीम में जा सकता है। और गाइस एक और रूल है जहाँ पे गाइस अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे सात से ज्यादा मैच खेल लेता है एक टीम के लिए तो वो यहाँ पे दूसरे टीम में नहीं जा सकता। यानी कि गाइस आपको यहाँ पे सात से कम मुकाबले खेलने पड़ेंगे, कम से कम आपको एक से दो मुकाबले खेलने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे सात आठ मुकाबले खेल लेते हैं तो आप दूसरे टीम में यहाँ पे नहीं जा सकते। तो गाइस बीसीसीआई ने रूल बनाया है मिडिल सीजन ट्रांसफर को लेके। तो गाइस अब हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कौन से दो खिलाड़ी के पास अभी इन्विटेशन आया है। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मोइन अली। तो गाइस अभी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मोइन अली के पास इन्विटेशन आया है और गाइस मोइन अली को गाइस अभी इन्विटेशन आया है चेन्नई सुपर किंग की टीम की तरफ से। और चेन्नई सुपर किंग की टीम का कहना है कि गाइस यहाँ पे मोइन अली को अपने टीम में वो इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि मोइन अली गाइस एक या दो मुकाबले एक मुकाबले शायद यहाँ पे खेले हैं और गाइस यहाँ पे वो दूसरे टीम में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन गाइस अब मर्जी रहेगी सिर्फ और सिर्फ मोइन अली का, अगर वो चाहते कि मैं दूसरे टीम में जाना चाहता हूँ एंड दूसरे टीम में जाके मैं कमाल करना चाहता हूँ और यहाँ पे गाइस मोइन अली चाहे तो दूसरे टीम में जा सकते हैं। तो गाइस मोइन अली को इन्विटेशन आया है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से और चेन्नई सुपर किंग की टीम मोइन अली को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में। तो गाइस दूसरे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के डेल स्टेन। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के डेल स्टेन के पास यहाँ पे इन्विटेशन आया है और गाइस अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम जो कि डेल स्टेन को अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है। और राजस्थान रॉयल्स का कहना है कि गाइस यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम यहाँ पे डेल स्टेन को हमारे टीम में दे दें एंड गाइस यहाँ पे राजस्थान टीम का कहना है कि डेविड मिलर को अपने टीम में ले ले, क्योंकि दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और गाइस अभी डेविड मिलर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और डेल स्टेन एक तगड़े लेजेंड बॉलर हैं जो कि यहाँ पे डेल स्टेन को मौका नहीं दे रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। और यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम चाहती है कि उनको अभी भी एक गेंदबाज का नीड है और वो अपने टीम में इंक्लूड करना चाहती है डेल स्टेन को। और डेल स्टेन की मर्जी गाइस, अगर डेल स्टेन चाहे कि मुझे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में मौका नहीं मिल रहा तो गाइस वो अगर चाहे तो वो राजस्थान रॉयल्स की टीम में जा सकते, राजस्थान रॉयल्स की टीम को वो साइन कर सकते हैं, इसमें कोई भी टीम उनको नहीं रोकेगी और ये डेल स्टेन का मर्जी होगा। तो गाइस ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ये दो खिलाड़ी के पास यहाँ पे इनविटेशन आया है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से मोइन अली को और डेल स्टेन को गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल
रॉयल्स की टीम की तरफ से इनविटेशन आया है। तो गाइस ये दोनों खिलाड़ी जो कि आपको मिडिल सीजन ट्रांसफर में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गाइस जैसे कि मैंने आप सभी को बोला कि प्लेयर्स की मर्जी, अगर प्लेयर चाहे कि मैं दूसरे टीम में जाना चाहता तो वो लोग जा सकते हैं, अगर वो गाइस चाहे तो वो नहीं भी जा सकते। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिपेंड है प्लेयर्स के ऊपर। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर, और आपका इस पर में क्या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। क्या मोइन अली को डेल स्टेन को दूसरे टीम में जाना चाहिए या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए अपना अपना ओपिनियन दीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।